हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 4 प्लानिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट एंड ड्यू सिलेबस के ऊपर कम्प्लीटली बेस्ड है। और ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आपने अब तक बिजनेस स्टडीज में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और अब टाइम टेबल आने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके पास सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं एग्जाम्स के लिए, और अगर आप डर रहे हैं कि अब इतनी जल्दी आपका सिलेबस कैसे पूरा होगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा ये सारे क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा चला जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो अब 2 महीने का टाइम बचा है तो ऑब्वियसली आप बिजनेस स्टडीज के एक एक चैप्टर को डेप्थ में पढ़कर तो नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, तो इन दैट केस आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए। मैं अभी तो आपके साथ ये 2 चैप्टर के शेयर कर रही हूँ, पिछले 2 चैप्टर के मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे मैं फटाफट से ट्राई करूंगी कि 10-12 दिन के अंदर आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दूं, ताकि आपको पूरे 2 मंथ का टाइम मिल जाए उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, एग्जाम की डेट रिलीज हो गई है, जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, ये चीज डीमोटिवेट होने के लिए नहीं है, आपको मोटिवेट होना चाहिए, इससे आपको अपनी पढ़ाई जो है वो स्पीड अप करना चाहिए ताकि आप टाइम पर सिलेबस खत्म कर सके। तो ऑन दैट नॉट हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से अकॉर्डिंग टू न्यू ब्लूप्रिंट आपको एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाने वाला है और 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी आपको उनके आंसर 2 मार्क के वेटेज के सॉरी 2 मार्क के वर्ड लिमिट के अंडर ही प्रिपेयर करने हैं। आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा तो उसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए आपको वर्ड लिमिट बताई गई है, आई थिंक 30-40 वर्ड का लिमिट है उसमें, तो आपको 30-40 वर्ड्स का एक आंसर प्रिपेयर करना है, जो कि प्रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। एंड आई नो दैट कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलाइजेशन। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, पर जो ज्यादा होंगे उनके साथ में आपको मैं एक मोस्ट आईएमपी का टैग दे दूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। वैसे तो आपको सारे ही करना है, लेकिन जिन पर टैग आएगा आप समझ जाएगा कि इसको तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट एडवांटेजेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे 3 चीजें पूछ ली हैं, एडवांटेजेस भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी और ऑब्जेक्टिव्स भी ग्लोबलाइजेशन के, बट क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आना है तो एग्जाम में तीनों चीजें साथ में नहीं आने वाली हैं, या तो वो एडवांटेजेस पूछ लेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे या फिर ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, तो आपको एटलीस्ट 3-3 और 4-4 पॉइंट्स तीनों के लर्न करके रखने, क्योंकि ये तीनों ही ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एडवांटेजेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन, ओनली आपको इन दोनों की डेफिनेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखिए, ये भी 2 क्वेश्चन आपके मर्ज हैं, या तो ओनली वो व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइवेटाइजेशन पूछ लेंगे या फिर उसके फीचर्स पूछ लेंगे, दोनों साथ में पूछे इसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि ओनली 2 मार्क का ही क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10 इज, नेम द 4 इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। आई होप सारे क्वेश्चन आपने क्लियरली सुन लिए होंगे और कहीं पे नोट भी कर लिए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें से न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले हैं, एक 2 मार्क का शॉर्ट आंसर और एक 4 मार्क का लॉन्ग आंसर पूछा जाने वाला है। तो सारे क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आई वुड सजेस्ट कि आप सभी के आंसर 4 मार्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2 मार्क में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है। तो अगर आप बड़ा प्रिपेयर
कंपेयर करेंगे तो 2 मार्क में आ गया तो उसका शॉर्ट वर्जन आप लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपने छोटा प्रिपेयर किया तो 4 मार्क में आ गया तो थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी एग्जाम में कि कैसे इसे पढ़ा कर पाएं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा राइट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, सेकंड क्वेश्चन राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन बजट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्लान, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एंड लास्ट क्वेश्चन है राइट एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे प्लानिंग के लिए। आई होप सारे क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जल्दी से इन 2 चैप्टर के क्वेश्चन प्रिपेयर करने में लग जाइए, मेरी अगली वीडियो आने तक आपके ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाने चाहिए, एंड आई प्रॉमिस मैं इसी वीक में या अगले वीक तक आपके सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ प्रिपेयर करते रहना है। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है चैनल पे बढ़ती है और आप लोगों की जो डिमांड है वो आती है कि इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन अपलोड किए जाएं, तो मैं जल्दी से इकोनॉमिक्स की भी सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगी। पर उसके लिए आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी बट आई नो आप कर लेंगे, क्योंकि मेरा जो काम है अगर आप उसको पसंद करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर ज्यादा पसंद आई हो तो किसी एक फ्रेंड के साथ एटलीस्ट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा नई वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करने के लिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।